क्या आप जानते हैं 50 साल पहले दुबई सिर्फ एक रेत का ढेर था और आज यही दुबई दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है। सोचने वाली बात तो यह है कि क्या हुआ इन 50 सालों में जिससे ये जगह जो कुछ ऐसी थी वो आज ऐसी दिखने लगी है। इसका एकमात्र जवाब है दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। लेट 1930s में दुबई एक काफी गरीब देश था। किसी को भी लगता नहीं था कि दुबई बाकी देशों के मुकाबले डेवलपमेंट कर पाएगा। आज लोगों को लगता है कि दुबई आज ऑयल इंडस्ट्री की वजह से इतना अमीर बन चुका है, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऑयल उनकी जीडीपी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। तो आखिर दुबई पैसे कमाता कहाँ से है? इसका सबसे पहला आंसर है दुबई टूरिज्म। आज अगर देखा जाए तो दुबई के पास हर एक लग्जरी है। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क, बहुत सारा सोना, दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा 7-स्टार होटल। तो ये सब देखने के लिए वर्ल्ड वाइड लोग ट्रैवल करके दुबई आते ही है। 2020 का दुबई का ईयरली 20 मिलियन विजिटर्स काउंट है। फिर भी कोविड की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वरना इससे भी ज्यादा टूरिस्ट दुबई विजिट करते हैं। तो टूरिज्म दुबई का एक मेजर इनकम है, ऐसे हम बोल सकते हैं। टूरिज्म से दुबई ईयरली 43 बिलियन डॉलर्स कमाता है, जो कि उनकी जीडीपी का 12.1% है। तो टूरिज्म ये पहला सोर्स ऑफ इनकम हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इनकम है ग्लोबल बिजनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुबई में ट्रेड इंडस्ट्री ने भी बहुत बूम लिया। 1985 में दुबई ने अपना पहला फ्री जोन भी बिल्ड किया था, जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन बन गया है। फ्री जोन यानी ऐसी जगह जहां टैक्स कंसेशंस ऑफर किए जाते हैं, फॉरेन बिजनेसेस को लाइसेंस ऑफर किए जाते हैं। तो अब टैक्स कम होने की वजह से फॉरेन बिजनेसेस इजीली दुबई से अट्रैक्ट होने लगे और आज यहां के एम्प्लॉइज करीब 80 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि दुबई के जीडीपी का 21% है। लेकिन दोस्तों, अगर हम 50 साल पहले देखें तो दुबई बस एक रेत का ढेर था। तेल से तो वो थोड़ा बहुत कमा ही रहे थे, लेकिन वो काफी नहीं था। फिर दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने ये डिसाइड किया कि भाई अब ऐसा कुछ करके दिखाना है कि दुबई का पूरी दुनिया में नाम हो। और तब उन्होंने शुरुआत किया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। उन्होंने दूसरे देशों से बिलियंस में लोन लिया और वही पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया। 1960 में उन्होंने दुबई का सबसे पहला एयरपोर्ट बिल्ड किया और उसके बाद धीरे धीरे ये स्काई स्क्रैपर्स, बड़े बड़े रोड्स, मॉल्स, ये सब कुछ बिल्ड किया। उनका एक ही एम था कि भाई जो भी करेंगे पूरे वर्ल्ड में वो बेस्ट होगा। और आज आप देख ही रहे हो कि दुबई कहां से कहां पहुंच गया है। ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।